नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टेडियम एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं धारा विद्युतकी में एक नया टॉपिक और वो है केवीएल और केसीएल। देखो, केवीएल केसीएल के हम नियम पढ़ेंगे, इसके बाद में इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है, केवीएल केसीएल कहाँ पर उपयोग में आएगा वो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इस वाले चैप्टर में अपन बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर जो मैं इसमें क्वेश्चंस वाला एक क्वेश्चन सेट का वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं केसीएल। केसीएल क्या है? क्रिचॉफ का धारा का नियम, क्रिचॉफ करंट लॉ। देखो, क्रिचॉफ ने क्या बोला था, क्रिचॉफ ने बोला था कि किसी भी नोड पर नोड क्या होता है, जहां पर दो से अधिक ब्रांचेज मिलती है उसको नोड बोलते हैं। क्रिचॉफ ने बोला था किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होती है। जैसे मैंने ये एक नोड ले लिया, मैंने बोला कि ये करंट इधर जा रही है I1, इधर जा रही है I2, इधर जा रही है I3, इधर बाहर जा रही है I4 और इधर बाहर जा रही है I5। तो देखो बच्चों, एक बार I1, I2 और I3 क्या हो गई, ये इनकमिंग करंट है और I4 और I5 क्या है, आउटगोइंग करंट। तो क्रिचॉफ ने ये बोला था कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट क्या है अपने पास यहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3, आउटगोइंग करंट क्या है I4 प्लस I5। तो ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग है, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा समान होती है। तो अब देखो एक बार, इसको I1 को मैं क्या लिख सकता हूं, I1 को मैं ये भी लिख सकता हूं कि dq q1 अपॉन dt, या इसको ये लिख दो q1 अपॉन t, t समय में q1 चार्ज फ्लो होगा तो q1 अपॉन t। I2 को क्या लिख सकता हूं, q2 अपॉन t, I3 को q3 अपॉन t लिख सकते हैं अपन, I4 को क्या लिख सकते हैं, q4 अपॉन t और I5 को q5 अपॉन t। तो एक बार लिखो इसमें q4 अपॉन t प्लस q5 अपॉन t। अब देखो, t सब में से कॉमन ले सकता हूं मैं, और सब में से कॉमन लेके t को अगर मैंने कैंसिल किया तो क्या आ गया मेरे पास, q1 प्लस q2 प्लस q3 बराबर q4 प्लस q5। तो यहां से आपको क्या क्या दिख रहा है, यहां आपको ऐसा पता लग रहा है कि जितना चार्ज एंटर हुआ उतना ही चार्ज एग्जिट हो गया, मतलब कि चार्ज को न तो चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ है और न चार्ज यहाँ पे लॉस हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना चार्ज अपने पास था उतना ही चार्ज अपने को मिल गया, तो इसको बोलते हैं आवेश। क्या हो गया, आवेश हो गया यहाँ पर संरक्षित या कंजर्वेशन, या इसको ये बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्रिचॉफ के करंट का नियम है, क्रिचॉफ के धारा का नियम है, वो क्या बताता है, वो बताता है आवेश के संरक्षण को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्रिचॉफ का इसमें नोट करके लिख लो आप, क्रिचॉफ के धारा का नियम आवेश संरक्षण को बताता है या आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्रिचॉफ के करंट का नियम अपन ने एक बार यहाँ पर देखा, अब अपन देखेंगे क्रिचॉफ का वोल्टेज का नियम। देखो एक बार, यहाँ मैं बस एक बार आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल में, ये प्रॉब्लम में या क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो मेन यहाँ पर है, ठीक। नियम आपको कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि क्रिचॉफ का करंट का नियम बताओ, ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, तो न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल में इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप पढ़ते हैं अपन केवीएल, किरचॉफ का धारा का नियम,
किरचॉफ ने क्या बोला था, किरचॉफ ने यह बोला था कि अगर किसी बंद परिपथ में कोई धारा फ्लो होती है तो उस बंद परिपथ में जो बैटरी है वो या बैटरी का ईएमएफ और उस पे जो जितने भी रजिस्टर है परिपथ में उस पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर दोनों का जो एलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या बोला था, जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई बैटरी है, इसका सेल या बैटरी मान लो इसको सेल है, ई है इसका ईएमएफ, यहाँ पर कोई धारा प्रवाह होगी, यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा, किसने बताया था, ओम ने, यहाँ पर भी R1 मान लिया तो R1, यहाँ पर क्या हो जाएगा I R2, ये ओम ने बताया था कि यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा। किरचॉफ ने क्या बताया, किरचॉफ ने ये बताया कि इस बंद परिपथ में अगर अपन ऐसे जाएंगे तो देखो एक बार अपन कन्वेंशन ले लेते हैं, यहाँ पे अगर आप माइनस से प्लस जाओगे तो साइन ले लेना माइनस, और प्लस से माइनस जाओगे तो साइन क्या ले लेना प्लस। तो अब इधर से चलो एक बार आप, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं ना अपन, तो क्या ले लो साइन माइनस ई। अब देखो एक बार यहां विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या ले लिया प्लस आई आर वन, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या ले लिया प्लस आई आर टू, और सबका जो एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस को कंसीडर करना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, तो ये सबका बीजगणितीय योग क्या होता है जीरो, और यही क्या है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो किरचॉफ के वोल्टेज का नियम क्या बताता है, किसी बंद परिपथ में जो बैटरी या सेल का जो ईएमएफ है प्लस जो जितना ही रजिस्टर पे, जितने भी रजिस्टर पे जो उत्पन्न विभवांतर है सबका बीजगणितीय योग क्या होगा शून्य होगा। अब ये आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा न्यूमेरिकल में, ये कैसे यूज आएगा वो अपन देखेंगे यहाँ पर। हाँ कई बार थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम किस पर आधारित है, जैसे किरचॉफ का करंट का नियम किस पर आधारित था, आवेश संरक्षण पर, तो ये किरचॉफ का वोल्टेज का नियम ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, या इसको अपन बोल देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में देखो ये एनर्जी थी, जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई ड्रॉप हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अपने पास जितनी एनर्जी थी सेल में वो सारी ड्रॉप हो गई। ये कैसे होती है मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पर बताता हूँ, तो चलो एक बार देख लो, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने थ्योरी बता दी और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये डिपेंड करता है, मतलब ये इसका आधारित है। अब देखो एक बार किरचॉफ के वोल्टेज के नियम पे मैं बता रहा हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, ये मेरे पास 10 वोल्ट है प्लस माइनस, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पर भी मेरे पास 1 ओम है, तो बताओ एक बार यहाँ पे धारा कितनी फ्लो होगी आई, तो आई अपने पास क्या होता है वी अपॉन आर, V कितना है 10 और R कितना है 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 5 एम्पियर, तो धारा यहाँ पे अपनी होगी 5 एम्पियर। अब देखो धारा इधर जाएगी, यहाँ विभवांतर कितना हो जाएगा आई आर, आई कितना है 5, R कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो एक बार, I कितना है 5 और R कितना है 1, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट। आप इस तरह से समझो कि इसके पास 10 रुपए थे और यहाँ पर देखो यहाँ से 10 रुपए लेके चला, यहाँ पे 5 रुपए लुटा दिए और यहाँ पर भी 5 रुपए लुटा दिए, यहाँ पर आएगा तो क्या बचेगा इसके पास 0 रुपए। तो इस तरह से मानना कि जितने रुपए हैं वो सारे रजिस्टर को लुटा के यहाँ तक आएगा तो 0 रुपए, तो 5 रुपए यहाँ लुटाए 5 रुपए यहाँ लुटाए, जितना था उतना लुटा दिया, तो कुल मिला के क्या हुआ
प्लस 10 या माइनस 5 माइनस 5 या माइनस 10 प्लस 5 प्लस 5 नहीं तो एनर्जी अपने पास थी और मतलब प्लस में और माइनस में दोनों में हो गया तो क्या हो गया जीरो मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लग रहा है यहां पे देखो फार्मूला तो आप इस तरह से इसको समझना तो चलो एक बार ये देखो मेरे को ये बताओ ये अगर मैंने यहां पे 15 वोल्ट लिया है प्लस माइनस ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम अब क्वेश्चन ये है आप बताओ मेरे को माइनस और प्लस VDS की वैल्यू बताओ वीडियो पॉज करो एक बार और इसको आप देखो कि इसका वैल्यू बताओ VDS की वैल्यू क्या आएगी अब देखो एक बार मैं बताता हूं आपको सबसे पहले बताओ करंट कितनी जाएगी I बराबर V upon R V कितना है 15 R कितना 1 1 और 1 कितना हो गया 3 ओम तो कितनी हो गई 5 एम्पीयर 5 एम्पीयर धारा बहेगी यहां पर देखो एक बार मेरे को यह बताओ यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा वापस वही IR I into R 5 वोल्ट यहां पर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट यहां पर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट तो लेकिन मैंने क्या पूछा V डैश देखो एक बार अगर प्लस माइनस 5 वोल्ट है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5 वोल्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था तब कि जब भी वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर देंगे जब भी वोल्टेज की ध्रुवता चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे अपन माइनस साइन लगा देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस अगर प्लस माइनस 5 वोल्ट है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5 वोल्ट तो V डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5 वोल्ट इस तरह से समझ में आया आपको चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं उसमें 2 से ज्यादा बैटरी लगा देता हूं सेल या बैटरी में कितनी लगाता हूं 2 से ज्यादा ऊर्जा स्रोत इसको अपन क्या बोलते हैं एनर्जी सोर्स बोलेंगे तो 2 से ज्यादा जब एनर्जी सोर्स लगाएंगे तब आपके क्या फर्क पड़ेगा देखने एक बार देखो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपके कांसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद में अपन एग्जाम में जो आ रखे हैं वो अपन क्वेश्चंस इसमें लेंगे अब देखो एक बार मैंने 3 बैटरी ली है और 10 वोल्ट की 30 वोल्ट की और 10 वोल्ट की और 3 मेरे पास रजिस्टर है आपको वापस देखो आपको क्या बताना है आपको वापस V डैश बताना है ठीक तो कैसे करेंगे देखो एक बार इसको इस तरह से आप देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके मैं 2 मेथड बताता हूं आपको सॉल्व करने के पहला बताता हूं मेथड फर्स्ट वो बताता हूं KVL से KVL से कैसे करना इसकी कोई डायरेक्शन मान लो आप कुछ भी इसकी डायरेक्शन जैसे मैंने डायरेक्शन मान ली ये वाली इसमें I करंट मानो देखो ये कनेक्ट पूरा जो परिपथ है वो सीरीज में है ना श्रेणी क्रम में है तो मैंने क्या मान लिया I करंट मान ली इसमें और इसमें पूरे A की करंट मान ली I और डायरेक्शन मैंने ये क्लॉकवाइज मान ली अब देखो अब आप जब प्लस से माइनस जाओगे तो लोगे प्लस और माइनस से प्लस जाओगे तब क्या लोगे माइनस तो यहां से स्टार्ट करो एक बार यहां से स्टार्ट करेंगे तो प्लस प्लस से माइनस जा रहे हैं 10 तो 10 वोल्ट प्लस का ले लो इधर देखो ये माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस 30 इधर देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस 10 अब देखो ये I करंट यहां पे ड्रॉप करेगा कितना करेगा IR I कितना है नहीं पता अपने को I तो निकालना अपने को अभी I अपने को नहीं पता R कितना है 5 तो मैं क्या लिख दूं 5I कोई दिक्कत है और जा कैसे रहे हैं देखो एक बार प्लस से माइनस तो प्लस 5I इधर देखो ये I यहां पर भी ड्रॉप करेगा प्लस माइनस कितना करेगा 5I तो यहां पर भी लिख दो एक बार 5I
इधर भी कितना करेगा? देखो ये तो मैंने VDS पूछा है कि VDS बताओ, लेकिन एक्चुअल में जब ये करंट इधर से जाएगा तो यहाँ ड्रॉप कितना करेगा? प्लस माइनस पाई वाई, ये ध्यान रखना। तो कितना करेगा? पाई वाई। और मैंने क्या बताया था, सबका एलजेब्रिक सम क्या होता है KVL में? जीरो होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इधर से देखो एक बार, माइनस 30, देखो 10 से 10 गया, प्लस 15 आई बराबर 0, तो 15 आई बराबर 30, तो आई बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। आई बराबर 2 एम्पियर आ गया, तो क्या हुआ, इसका मतलब जो अपन ने मानना है वो सही है, 2 एम्पियर आ जाएगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पे ड्रॉप कितना आ गया? यहाँ ड्रॉप आ गया 5 आई, आई कितना है 2, तो 5 इंटू है ना 2 कितना आ गया 10। एक्चुअल में देखो यहाँ देखो प्लस माइनस 10 वोल्ट है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। वोल्टेज की जब ध्रुवता बदल देते हैं तो वोल्टेज माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पे VDS कितना हो जाएगा? तो VDS हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10 वोल्ट। पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जिसमें अपन बैटरी का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, मतलब इस तीनों बैटरी के अपन एक ही बैटरी बना देते हैं। तो देख लो एक बार मेथड 2। ऐसा कोई मेथड नहीं है, लेकिन बस अपन जितना जल्दी, देखो हर सर्किट में KVL नहीं लगा सकते, ये तो क्या सिंपल सर्किट में बता रहा हूँ आपको, कई बार अपने को KVL नहीं लगा के सीधा ही करना पड़ सकता है। तो इसमें देखो इसमें तीन बैटरी आपको दे रखी है, तीन सेल दे रखे हैं। अब आपको क्या करना, या तो इधर से इधर चलो या इधर चलो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। चलो सबसे पहले अपन चलते हैं लेफ्ट से राइट। तो देखो एक बार लेफ्ट से राइट चलेंगे तो क्या आ रहा है? प्लस 10, प्लस 30, देखो एक बार 10, प्लस से माइनस गए ना, प्लस से माइनस 30, माइनस से प्लस माइनस 10, टोटल कितना आ गया? 30, 30 वोल्ट आ गया। मतलब इस पूरे को मैं 30 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब ये 30 प्लस का आया माइनस का? तो प्लस का आया, तो जिधर से चले हैं उधर प्लस कर दो, मतलब इधर प्लस कर दो और इधर माइनस कर दो। इधर से चले थे ना, जिधर से चले थे उधर तो कर दो प्लस और इधर कर दो माइनस। तो मैं पूरी बैटरी को क्या बना सकता हूँ? 30 वोल्ट की। मतलब इस पूरी बैटरी को मैं 30 वोल्ट की बैटरी बना सकता हूँ। इधर से भी चल सकते हैं, चलो एक बार इधर से चलो एक बार, तो क्या आ गया? देखो प्लस 10, जब इधर से चलेंगे तब क्या आएगा? प्लस 10, देखो माइनस 30 और माइनस 10, तो क्या आ गया अपने पास? माइनस 30। चले किधर थे? इधर से, तो जिधर से चले हैं उधर नेगेटिव कर दो, ये वाला साइन कर दो, तो ये आ गया। इसको अपन देखो सेम आ रहा है ना दोनों में, तो कुल मिला के दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो बैटरी उसको आप सिंगल बैटरी बना दो, सिंगल सेल बना दो, और उसके बाद उसको सोल्व कर लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं टोटल 30 वोल्ट की, तो यहाँ पे बना रहा हूँ देखना एक बार, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये मेरे पास 30 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये मेरे पास तीन रेजिस्टेंस हो गए, और यहाँ पे कितना है 5 का, 5 और 5 कितना ओम हो गया? 15। तो आई कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर, वी कितना है 30, रेजिस्टेंस कितना है 15, कितना हो गया 2 एम्पियर। यहाँ ड्रॉप कितना हो जाएगा? देखो एक बार वी कितना हो जाएगा ड्रॉप? 5 आई है ना, आई आर, आई कितना है 2, आर कितना है 5, तो 10 वोल्ट। आपको क्या पूछा है? माइनस प्लस VDS। देखो प्लस माइनस अगर 10 वोल्ट है तो माइनस प्लस VDS क्या हो जाएगा? माइनस 10 वोल्ट। आंसर सेम आ रहा है, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना इसमें KVL KCL का अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अभी सिंपल न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ताकि एक बार आपका वार्म अप हो, प्रैक्टिस हो, उसके बाद में जो अपन IIT में जो नीट में आ रखे हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे आपके। चलो अभी मैं आपको एक रूल बताता हूँ, करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है समझने के हिसाब से। अगर वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन अगर आपको करना आता है तो इससे आपका आधा काम आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल्स में। कैसे, देखो एक बार, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वोल्टेज डिवीजन रूल।
देखो हिंदी वाले भी होंगे इंग्लिश वाले भी, दोनों मीडियम के यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आप इंग्लिश और हिंदी पे ज़्यादा गौर मत करो, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन है तो हिंदी वाले भी समझ सकते हैं इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। अभी मैं जो हम यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ उस पर आप जो फोकस करो, हिंदी इंग्लिश ठीक है, यहाँ पर अगर आप हिंदी में भी लिख दो तो वो कंसेप्ट तो वही रहेगा, और इंग्लिश में लिखूंगा तभी कंसेप्ट वही रहेगा। आपको न्यूमेरिकल में आर है तो वो आर प्रतिरोध नहीं लिखाएगा, वहाँ आर ही लिखाएगा, तो न्यूमेरिकल में हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। देखो वोल्टेज डिवीजन क्या बताता है, मैं सीधा एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 15 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, 1 ओम है और यहाँ पे 2 ओम है, प्लस माइनस। देखो यहाँ पे कोई करंट गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये अपने सर्किट पता है, 15 वोल्ट की बैटरी ली, 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा और यहाँ पर भी कोई विभवांतर उत्पन्न होगा। अब V1 क्या होगा और V2 क्या होगा वो अपने को निकालना है। पहला तरीका करंट निकाल लो, बहुत अच्छा है। अब देखो करंट नहीं निकालना है तो क्या करना कि 15 टोटल वोल्टेज कितना है, देखो कुल वोल्टेज गुणा, क्योंकि ये आपके काम आएगा, ध्यान रखना ये जब न्यूमेरिकल करोगे उसमें काम आएगा ये वोल्टेज डिवीजन रूल। ये वाला सिंपल न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, सिंपल सा सर्किट, लेकिन न्यूमेरिकल में इतना जो सिंपल नहीं आएगा, बस एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना। कुल वोल्टेज इंटू जिस रेजिस्टेंस में अपने को वोल्टेज निकालना है वो, तो जैसे लिख लो जिस प्रतिरोध में वोल्टेज निकालना है अपॉन कुल प्रतिरोध। अब देखो कैसे करेंगे देखना एक बार। तो मेरे को V1 निकालना है, तो V1 कैसे, कुल वोल्टेज कितना है 15, किस रेजिस्टेंस में निकालना है, 1 ओम में निकाल रहे हैं ना V1, तो 1 ओम बटा कुल कितना हो गया, इस मतलब 1 और 2 कितना हो गया 3, तो कितना हो गया अपने पास 5 वोल्ट। V1 कितना आ गया मेरे पास 5 वोल्ट। करंट निकालने की भी जरूरत नहीं है, देखो धारा निकाली क्या मैंने, यहाँ पर धारा नहीं निकाली तो मेरे को पता लग गया कि ये जो 15 वोल्ट है वो यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अभी तो बताया मैंने 15 रुपए है तो यहाँ पे और इधर लुटा के आएगा, इधर कितना यहाँ पे 0 रुपए लेके आएगा, ये बात मानना आप। V2 निकालो, कुल वोल्टेज कितना है 15 गुणा किस पे निकालना है 2 ओम पे बटा कुल कितना हो गया 3, तो कितना आ जाएगा ये 10 वोल्ट। तो V2 कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया, ये अपने को पता लग गया। तो ये है अपना वोल्टेज डिवीजन रूल। चलो इसका एक छोटा सा और अपन एक देखते हैं इसका कंसेप्ट, मतलब इसमें तो लिख लेना ये वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है। चलो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, अभी आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है माइनस V1 और माइनस प्लस V2। क्वेश्चन ये है कि आपको V1 और V2 की वैल्यू बतानी है। चलो वीडियो को पॉज करो, इसको एक बार सॉल्व करके देखो। चलो अब हम देखते हैं एक बार। देखो सबसे पहले अपन इसमें बेसिक, देखो इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या निकाल लो, धारा निकाल लो I,
फिर धारा यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, आई आर वी वन बराबर 5 × I, और यहाँ पे वी टू निकाल लो, और यहाँ पे जो भी आपको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। दूसरा मेथड क्या है, धारा नहीं निकाले सीधा वोल्टेज पता कर ले, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा। तो चलो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल है, इसमें ये देखना कि ये वाला आपको क्या कर रखा है, ये 15 ओम को क्या कर रखा है अपने, ये मान लो कि 15 ओम पे अपने एक वायर लगा दिया, यहाँ पे अपने क्या किया एक वायर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो ये वायर क्या करेगा देखो एक बार मेरे को ये बताओ। इसको मैंने एक देखो, जब वायर शॉर्ट होता है तो रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, ये मैंने बताया। आप ये मान लो कि इस तरह से मेरे पास कोई कनेक्शन है, एक तरफ तो वो रेजिस्टेंस 0 है और एक तरफ कितना रेजिस्टेंस 15, तो इसको टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालता हूँ, ऐसे निकालता हूँ कि ये वाला रेजिस्टेंस इंटू ये वाला बटा ये वाला ऊपर वाला प्लस नीचे वाला रेजिस्टेंस, तो 0 × 15 प्लस 0 + 15 तो कितना आ गया 0 ओम। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखो एक बार 0, और 0 ओम को क्या लिख सकता हूँ मैं, शॉर्ट कर सकता हूँ, ऐसे ये वायर बना सकता हूँ। तो जब भी ऐसा कभी ऐसा कोई मतलब आपके कंसेप्ट आए यहाँ पर या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आए, तो इसका मतलब क्या है, इस शॉर्ट कर दिया मतलब इस 15 ओम रेजिस्टेंस का कोई महत्व तो नहीं, अपन क्या कर सकते हैं पूरे को शॉर्ट कर सकते हैं। चलो काम आसान हो गया, अब धारा वाले कंसेप्ट निकालोगे या वोल्टेज डिविजन, चलो धारा वाले से आराम से निकाल सकते हो, वोल्टेज डिविजन से देखते हैं। 15 देखो 50 वोल्ट रेजिस्टेंस है, सॉरी ये वोल्टेज है, यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा V1 पे बताओ एक बार, V1 पे हो जाएगा कुल वोल्टेज इंटू जिस रेजिस्टेंस में निकालना है, किस में निकालना है 5 में, बट्टा कुल कितना हो गया 5 और 5 10, तो टोटल कितना हो गया 25, तो V1 कितना हो जाएगा 25 वोल्ट, V2 कितना हो जाएगा देखो एक बार, अब ध्यान रखना प्लस माइनस V2 होगा और यहाँ क्या दे रखा है माइनस, तो देखो एक बार V2 क्या हो जाएगा कुल 50, निकालना किसमें 5 बटा 10 25, ध्यान रखना ये 25 वोल्ट आएगा और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 25 वोल्ट। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो करंट डिवीजन, इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल के साथ साथ आपको साइन का भी पता लगना चाहिए, आपको साइन भी पता होने चाहिए। चलो एक और लेते हैं, इसमें चलो सबसे पहले इसके बाद में आपको करंट डिवीजन रूल बता देता हूँ, उसके बाद अपन एक कंबाइंड लेंगे जिसमें करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन दोनों नियम लगे। तो अपन लिखते हैं धारा का विभाजन का नियम या करंट डिवीजन रूल। अब देखो करंट डिवीजन रूल क्या बता रहा है कि यहां पे मैं कोई एक ये 5 ओम लिया और ये 10 ओम, यहां पे अगर कोई करंट बह रही है ये वोल्टेज है V। चलो मैंने करंट डिवीजन रूल में एक सिंपल सा सर्किट लिया है समझाने के हिसाब से, देखो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन हर न्यूमेरिकल में ये कंसेप्ट लगेगा आपके। अब देखो ये समांतर क्रम है तो धारा समान नहीं रहेगी, तो ये I धारा आ रही है 15 एम्पियर, ये इस ब्रांच में और ये नेक्स्ट ब्रांच है ये जो 10 ओम वाली और 5 ओम वाली, इसमें अलग अलग जाएगी,
तो अपने को क्या निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है. वोल्टेज अपने को नहीं दे रखा, मान लो वोल्टेज देते तो अपन क्या करते, इसका पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालते और वोल्टेज में अगर भाग दे देते रेजिस्टेंस का तो करंट आ जाती है. लेकिन 15 एम्पियर अपने को करंट दे रखी है तो अपने को I1 और I2 निकालना है. अब देखो I1 कैसे आएगा, तो I1 आएगा कुल धारा गुणा जिस ब्रांच में, जिस रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में धारा निकालनी है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस लेना है. मतलब इसमें लिख लो चाहे, जिस रेजिस्टेंस में, जिस प्रतिरोध में धारा निकालनी है उसका विपरीत प्रतिरोध, ये इंपॉर्टेंट, अपॉन कुल प्रतिरोध. कुल प्रतिरोध देखो, जब अपन वोल्टेज का डिवीजन कर रहे थे तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना वही रेजिस्टेंस ले रहे थे, और यहाँ पे धारा में क्या करेंगे, विपरीत रेजिस्टेंस ले लेंगे. जैसे कुल धारा कितनी हो गई, 15 एम्पियर. 5 ओम में निकालना है तो 10 ओम ले लो यहाँ पर, है ना, 10 और बटा टोटल कितना हो गया, 15, तो कितना आ गया, 10 एम्पियर. तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 10 एम्पियर. I2 फॉर्मूले से निकाल सकते हो वरना आपको वैसे ही पता लग गया, 15 एम्पियर है, 10 एम्पियर इधर गई तो इधर कितनी गई, 5 एम्पियर. ऐसा भी पता लग रहा है आपको, 10 इधर गई तो 5 इधर गई. तो वैसे भी देख लो एक बार, I2 कुल धारा कितनी है, 15. इसमें निकालना है तो इस वाले से गुणा कर दो विपरीत प्रतिरोध से, 5 बटा टोटल कितना है, 15, तो कितना आ गया, 5 एम्पियर. ये वाला है करंट डिवीजन रूल, धारा का विभाजन का नियम. और पहले बताया था मैंने वोल्टेज का डिवीजन रूल या वोल्टेज का विभाजन का नियम. चलो इन जो दोनों पे कोई प्रॉब्लम लेते हैं इसमें और देखते हैं कि इसमें किस तरह से अपन वोल्टेज का और करंट का डिवीजन करेंगे. एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है मैंने और आपको क्या बताना है इसमें, I2 की वैल्यू बतानी है, या I की, मान लो इसमें I की वैल्यू बतानी है. ठीक, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको क्या बताना है इसमें, I की वैल्यू बतानी है. अब देखो पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको धारा दे रखी थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर धारा दे रखी है क्या, नहीं दे रखी. तो अगर धारा नहीं दे रखी तो आपको निकालनी पड़ेगी, तो पहले धारा निकालो. यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखो एक बार, ये क्या हो गया वोल्टेज, धारा क्या होती है, सबसे पहले ये वाली धारा निकालो, इसको मैंने बोल दिया कैपिटल आई. कैपिटल आई जो कैसे निकालेंगे, बी अपॉन आर इक्विवेलेंट. वोल्टेज दे रखा है कितना है, 30 वोल्ट. R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इस वोल्टेज को एक बार हटा दो, वोल्टेज को हटा दो. चलो हटा दिया वोल्टेज को, और फिर सारा प्रतिरोध लिखो एक बार वापस. इस तरह से हो गया अपना, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम. और अब देखो आप ये मान लो कि ए और बी मान लो इसको, और आपको क्या निकालना है, ए बी. तो कभी भी ऐसा नेटवर्क आ जाए तो आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इस वोल्टेज सोर्स को हटा दो और उसके सिरों से आप इधर की साइड से तुल्य प्रतिरोध देखोगे. तो चलो सबसे पहले, और सोल्व किधर से, सोल्व इधर से करते हुए आओगे. देखो ध्यान रखना, सोल्व किधर से करोगे, सोल्व इधर से करते हुए आओगे. इस तरह से सोल्व करोगे, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले देखो 6 और 3 क्या है, पैरेलल में.
6 और 3 पैरेलल में सॉल्व करेंगे, दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो कैसे होते हैं, गुणा कर दो दोनों को और दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 2। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को हटा के सिर्फ 2 ओम लिख सकता हूं, 2 ओम लिख दिया। 3 और 2 किस में है, देखो एक बार सीरीज में, तो इनको दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं 5। तो RAB क्या हो गया, RAB हो जाएगा 5 ओम, समझ में आ गया, ये लिखते रहो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। तो RAB मेरे पास 5 आ गया, मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5, वोल्टेज कितना है 30, तुल्य प्रतिरोध 5, धारा कितनी हो गई 6 एम्पियर। तो ये जो 6 एम्पियर धारा जाएगी ये यहाँ तक समान रहेगी, यहाँ भी कितनी धारा रहेगी 6 एम्पियर, लेकिन यहाँ धारा चेंज हो जाएगी, यहाँ मान लो I है, आई डैश, और इधर कितनी जाएगी I, मान लो एक बार I1 मान लो इसको और इसको I2 मान लो। तो वापस करंट डिवीजन रूल लगा दो एक बार, I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 6, टोटल कितनी है 6 इंटू किस में निकालना है, 3 में निकालना है तो 6 से गुणा कर दो बटा 9, तो कितना हो गया देखो एक बार, ये 2 और ये 3, ये 2 कितना हो गया 4, 4 एम्पियर जाएगी इसके अंदर। जब 4 एम्पियर इसके अंदर चली गई तो कितनी बची 6 एम्पियर टोटल थी, 4 एम्पियर इधर चलेगी तो इधर कितनी जाएगी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहां से यहां तक 2 एम्पियर जाएगी, देखो वापस मैं बता रहा हूं, यहां जाएगी 2 एम्पियर, इधर आएगी 4 एम्पियर, तो यहां टोटल कितनी आ जाएगी वापस 6 एम्पियर, यहां मिलके वापस 6 एम्पियर हो जाएगा। कौन सा नियम लग रहा है यहां पर, क्रिचॉफ का करंट का नियम, यहां पे क्या लग रहा है देखो एक बार, क्रिचॉफ का करंट का नियम, समझ में आ रहा है आपको, KVL KCL तो यहां पे इंप्लीमेंट होगा। अब देखो ये वाला, अगर ऐसे 2 एम्पियर आ रही है, देखो ऐसे कितना आ रहा है इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर, और मेरे को क्या पूछा है आई डेस, आई पूछा है, तो आई क्या हो जाएगा, अगर I की डायरेक्शन यही होती तो 2 एम्पियर होता, लेकिन I की डायरेक्शन ही चेंज कर दी है अपन ने, जब भी धारा की दिशा चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो धारा क्या हो जाती है नेगेटिव, तो I कितना हो जाएगा -2 एम्पियर। अगर I अगर मेरे को ये पूछते इधर वाला तो 2 एम्पियर बताता, इस तरह से न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना है। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना, करंट डिविजन रूल लगाना, धारा निकालना, तुल्य धारा निकालना, ये सब इसमें आपके काम आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, आज अपन ने KVL KCL पढ़ा है, वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल पढ़े हैं, इसके न्यूमेरिकल्स निकालते रहो, न्यूमेरिकल्स करते रहो, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे।